हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द लद्दाख कुकिंग चैनल। आज की हमारी रेसिपी है चिकन सूखा। ये बहुत ही सिंपल और क्विक रेसिपी है नॉनवेज में, और बनाने में भी बहुत आसान है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। चिकन सूखा का सामग्री देख लेते हैं। यह है आधा किलो चिकन, यह है चिकन मसाला 5 चम्मच, और ये पिसा हुआ सूखा नारियल 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, हल्दी 2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 4 चम्मच, तेल 2 नींबू, पुदीना, लहसुन, हरा धनिया, अदरक, 2 हरी मिर्च। चलिए अब लहसुन अदरक का पेस्ट बना लेते हैं। यह है लहसुन, अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, और इसको बारीकी से कूट लेते हैं। चलिए अब सबसे पहले सूखे नारियल को अच्छे से भून लेते हैं कढ़ाई में। सूखे नारियल को अच्छे से हल्का लाल होने तक भून लीजिए इसको, और इसको पीसकर चिकन सूखा में ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं हल्का लाल हो गया है। चलिए इसको निकालते हैं। चलिए फ्रेंड्स, चिकन सूखा बनाना शुरू करते हैं। ये है 4 चम्मच तेल, 2 गार्लिक पेस्ट, लहसुन और अदरक के पेस्ट को हल्का लाल होने तक भून लीजिए। अब देख सकते हैं अभी हल्का लाल हो गया है। चलिए ऐड करते हैं चिकन। चिकन मसाला है, लाल मिर्च पाउडर, आप अगर मिर्ची कम खाते हैं तो 1 चम्मच मिर्ची का ऐड कीजिएगा, हल्दी पाउडर, नमक, मिक्स कर लेते हैं। और इसमें पानी बिल्कुल भी मत ऐड कीजिएगा, मसाले में ही पकना चाहिए। चलिए अब ढककर इसको 10 मिनट पकने देते हैं। लो फ्लेम पे पकने दीजिएगा 10 मिनट। चलिए अब ऐड करते हैं सूखा नारियल, जिसको मैंने भून लिया था, और इसको बारीकी से कूट लिया है अभी, और इसको अच्छे से घुमा लेते हैं। और आखिरी में ऐड करेंगे नींबू का रस, इसको अच्छे से घुमाकर 5 मिनट तक ढककर पकने देते हैं। आप देख सकते हैं चिकन को पकते हुए 5 मिनट हो गया है। चलिए इसको सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं चिकन सूखा बनकर तैयार है। चलिए अब ऐड करते हैं गार्निशिंग के लिए हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और पुदीना बारीक कटा हुआ। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स।